मोदी सरकार के पिछले एक साल के कार्यकाल में जीएसटी टैक्स कलेक्शन में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। वित्त वर्ष 2018-19 में वस्तु एवं सेवा कर का संग्रह बढ़कर 5.18 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जबकि वित्त वर्ष 2017-18 में 2.91 लाख करोड़ रुपए ही था। लोकसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य को जीएसटी में हुए नुकसान के लिए 81,177 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया, जबकि इसके पिछले वित्त वर्ष में राज्यों को महज 48,178 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया था। वित्त मंत्री ने कहा कि उच्च अधिकारी वाले जीएसटी परिषद ने देश में कर अनुपालन में सुधार के लिए कई प्रयास किए हैं। पिछले कुछ समय से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जीएसटी संग्रह में लगातार सुधार हो रहा है। बिजनेस प्रक्रियाओं को बड़े पैमाने पर ऑटोमेशन, ई वे बिल प्रणाली, अनुपालन की जांच के लिए लक्षित कार्रवाई, जोखिम प्रबंधन के आधार पर प्रवर्तन और इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस सिस्टम जैसे कदमों से जीएसटी के राजस्व संग्रह में सुधार हुआ है। गौरतलब है कि जीएसटी में इस साल जून महीने में कमी देखी गई है। जीएसटी संग्रह के लिहाज से नए वित्त वर्ष 2019-20 की बेहतरीन शुरुआत के बाद जून में तगड़ा झटका लगा है। जून 2019 में जीएसटी की संग्रह घटकर 99,939 करोड़ रुपए रह गया। इससे पहले अप्रैल 2019 में ये 1.13 लाख करोड़ रुपए और मई 2019 में 1.2 लाख करोड़ रुपए रहा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जून में पहली बार जीएसटी संग्रह के 1 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े के नीचे आया। जून 2019 में कुल 99,939 करोड़ रुपए का जीएसटी राजस्व एकत्रित किया गया, जिसमें सीजीएसटी 18,366 करोड़ रुपए, एसजीएसटी 25,343 करोड़ रुपए, आईजीएसटी 47,772 करोड़ रुपए और उपकर 8,457 करोड़ रुपए शामिल रहा। साल 2017 में मोदी सरकार ने जीएसटी को लागू किया था और 17 स्थानीय करों का इसमें विलय कर दिया गया था। मोदी सरकार की दूसरी पारी में जीएसटी काउंसिल की पहली बैठक पिछले महीने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई थी। जीएसटी वसूली में सरकार को मिली सफलता के बावजूद केंद्र सरकार के लिए अभी बहुत बड़ी रकम हासिल करने की गुंजाइश है। हाल में जारी अंतरिम बजट दस्तावेजों के मुताबिक केंद्र सरकार लगभग 9 लाख करोड़ रुपए का टैक्स वसूलने में विफल रही है। उसमें सर्वाधिक टैक्स चोरी का मामला जहां कॉरपोरेशन टैक्स में है, वहीं दूसरे नंबर पर व्यक्तिगत टैक्स है। माना जा रहा है कि अगर केंद्र सरकार इस बकाए टैक्स की वसूली करने में सफल हो जाती तो महज इस राजस्व से व स्वास्थ्य से लेकर सबके लिए घर की योजना समेत कुल 99 मंत्रालयों की 700 से अधिक योजनाओं को चलाने का पूरा पैसा एकत्र कर लेते। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।